महात्मा रामानुजाचार्य अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण नदी में स्नान करने जाते समय जाते हुए लोगों का सहारा लेकर जाया करते थे। जाते समय वे ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेते और आते समय शूद्र के कंधे पर हाथ रखकर आते। लोगों ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, भगवान, शूद्र के स्पर्श से तो आप अपवित्र हो जाते हैं, फिर स्नान का महत्व क्या रहा? आचार्य जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, स्नान से मेरी देह मात्र शुद्ध होती है, मन का मैल तो अहंकार है। जब तक मनुष्य में अहंकार शेष है तब तक उसे मन का मलिनी कहा जाता है। मैं शूद्र का स्पर्श करके अपने मन की मलिनता स्वच्छ करता हूँ। मैं किसी से बड़ा नहीं, सब मुझसे ही बड़े हैं, शूद्र भी मुझसे श्रेष्ठ है। इसी भाव को स्थिर करने के लिए शूद्र का सहारा लिया करता हूँ। उत्तर युक्ति युक्त था, पूछने वालों का ठीक समाधान हो गया। शरीर ही नहीं मन को भी पवित्र रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। अखंड ज्योति नवंबर 2005 पृष्ठ 20। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।